नमस्कार। मैंने अभी दो महान ग्रंथों का अध्ययन किया, एक तो भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान की जो लिखी कही गई है, और एक बुद्ध का धम्मपद। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस बात से कि दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, और जबकि दोनों के काल और दोनों के जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग प्रकार की हैं। और बोली भाषा का भेद अवश्य है, कृष्ण ने संस्कृत में कहा है और भगवान बुद्ध ने जो है वो उसको पाली और संस्कृत भी उसमें शब्द आ रहे हैं। बहुत ध्यान से आप जब देखेंगे तो पता लगेगा कि संस्कृत भी है वहाँ, लेकिन पाली मूलतया है, क्योंकि जो लोक भाषा जो उस समय की थी उस लोक भाषा में उन्होंने अपने आख्यान दिए, और उनके पास में कोई बहुत प्रबुद्ध जन नहीं आए या बहुत ज़्यादा जो ऐसे। और कृष्ण के सामने सम्राट थे, कृष्ण के सामने महान उस समय के जो योद्धा थे वो थे, और वो बहुत प्रबुद्ध समाज था, जब पढ़ा लिखा समाज था, तो वहाँ पे अलग भाषा का प्रयोग हुआ, और जब बुद्ध के समय में अलग उनको बात दूसरे ढंग से कहनी पड़ी। यदि आप ये मानो कि कृष्ण ही बुद्ध के रूप में आएंगे तो वो इस रूप में कहना पड़ेगा, और अगर बुद्ध कृष्ण के काल में जाएंगे तो फिर बुद्ध उस तरह से बात को कहेंगे। वो कहने के ढंगों में अंतर है, लेकिन अगर आप सार निकालेंगे तो बिल्कुल एक ही निकलेगा। वो मैं आपको थोड़ा से उदाहरण सहित उसको कहता हूँ। अभी मैं पहले एक चीज यहां से कहता हूं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पुजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब देखिए, इसी के जो समकक्ष जो एक बात आती है और उसमें जो कहा गया है वो मैं आपको कह करके बताता हूँ। अब फिर दोनों के अर्थों को मैं प्रकट करूँगा। अब यहाँ पे मनोपुबंगवा धम्मा मनुसेठा मनुमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तंतूनं दुःखं मन्वेति चक्कं बबतो पदम। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल से शब्द है, सिंपल सी भाषा है, और इतना सहज है समझना, इसको आसान हो गया है, बिल्कुल लोक भाषा में ये बात कही जा रही है। अब वो कहते हैं कि मन सभी धर्मों का प्रवृत्तियों का अनुअगुआ है। अब धर्म यहाँ पे स्वभाव के अर्थों में प्रयोग होता है, आप ज़्यादातर देखेंगे तो मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। बुद्ध कहते हैं सभी धर्म मनोमय है, तथा मन में ही उनका विकास होता है, मन में ही वो फलते और बढ़ते हैं। और जब कोई व्यक्ति मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे चलते हैं। अब ये देखिए कि मन को वहाँ पे एक कह दिया गया, अब यहाँ पे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पुजायते। अब देखिए, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध पैदा होने पर मूढ़ भाव सम्मोह प्राप्त हो जाता है, और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश होने पर मनुष्य पतित हो जाता है और दुख को प्राप्त होता है। तो अब दोनों जगह आप देखेंगे कि अब यहां पे कह दिया गया कि भाई विषयों का चिंतन करने वाले,
अब इसी भांति से आप देखेंगे कि एक और जो चीज आती है, अको छिम्मम अवधिमम अजनिमम महासिमे ये चातम उपनयहंति वेरम तेसम न सम्मति। मुझे मारा, मुझे कोसा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठे बांधे रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। अको छिम्मम अवधिमम अजमिमम महासिमे ये चातम नुपनयन हन्ति वेरम तेसु उपसम्मतिम नहि वेरे न वेरामि संपत् समन्तीद कुदाचनम अवेरे न च सम्मित एष धम्मो सनन्तनो। वेर से वेर शांत नहीं होता बल्कि अवेर से वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। अब इसी के समकक्ष देखिए, आप बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मनैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही वह अपना बंधु और मित्र है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता ऐसा अनात्मा पुरुष अपना ही शत्रु की भांति व्यवहार करता हुआ चलता है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये दो काल हैं, जो एक बुद्ध का काल है, एक कृष्ण का काल, बिल्कुल अलग अलग तरह के काल हैं, अलग अलग तरह के लोगों के लिए ये उपदेश किए गए हैं, अलग अलग लोगों के लिए बातें कही गई हैं, बोली भाषा का भेद बहुत साफ दिखाई देता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि सार वही निकलता है, और सार अगर आप समझ लो तो फिर बहुत आनंद पैदा होता है। श्रद्धा से, भाव से अगर इन वचनों को सुन लिया जाए, इनको गहराई में उतार लिया जाए, इनको पारायण किया जाए। देखिए गीता में लोगों, गीता को पढ़ने को नहीं कहा गया, गीता को पारायण करने को कहा गया। और बुद्ध के पद भी गेय हैं, गाने वाले हैं, गा सकते हैं। जैसे आप रामायण गाते हैं ऐसे बुद्ध के पदों को गा सकते हैं, और वो पद गाने पर आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। वो भी एक विधि हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत घोर साधनाएं करो, 10 दिन की विपश्यना करो, करो तो कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप विपश्यना भी करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई विपस्सी लोगों को मैंने देखा, वो बड़े अहंकार में हो जाते हैं। तो ये समझिएगा कि कोई भी विधि अहंकार से भर देती है, और अहंकार से बचाने के लिए बुद्ध, भगवान बुद्ध के जो पदों को है गेय बनाया गया है, वो गाने योग्य हैं, उनको रागों में रखा जा सकता है, जैसे रामायण रागों में रखी जा सकती है और उनको उसी तरह से गाया जा सकता है। गीता के पद भी गेय हैं, ये भी काव्य है, और इसको भी ऐसे कहा गया है कि इनको बाकायदा, अभी मैंने आपको कहा, मैं उतना अच्छा नहीं अभी इसको गा सका हूँ, लेकिन मैं किसी दिन अच्छी तरह से भी गा करके इनके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बात पक्की कि गेयता बहुत है, और हमारा पूरा भारत का वांग्मय गेय है। नानक साहब ने भी सारी बातें गीत में कही हैं, गीत ही उनका तरीका है, तुलसीदास जी का तरीका भी गीत का तरीका है। तो गीत जो है वो गीत में अगर आप इसको, अब बुद्ध के पदों को अगर आप गा करके हृदय में उतार ले तो आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मुझे तो बिल्कुल संदेह नहीं, क्योंकि मैं इतने पवित्र भाव में प्रकट हो रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मैं झूठ आपसे कहने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैं ये सब मजे के लिए कर रहा हूं, मुझे तो कोई ऐसा लोभ नहीं बचा है अब कि मैं बहुत सारा कुछ ये सब करूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जितना समय मुझे जीवन में बचा है उतने में मैं कुछ अच्छा कह सुन लूं। मुझे तो अच्छा लग ही रहा है, और आपको लगेगा, ये मेरी आशा है, मेरी
निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि अगर आप इसको भावपूर्ण हृदय से सुनते हैं, भावपूर्ण हृदय से समझते हैं, अगर तर्क पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, शब्दों पे आप लड़ने लग सकते हो और शब्दों पे आप विरोध में जा सकते हो और कई प्रकार के विवाद पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर भाव से आपने समझा, भाव से आपने गुना, तो फिर बहुत भेद आएगा। तो ये जो इसमें आप देखेंगे सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सहज हैं और दो कालों में दो भगवत्ता को प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, जो भगवत्ता से संपन्न थे, जो ज्ञान से संपन्न थे, उन्होंने जो कहा है वो एक ही सारभूत तत्व को लेकर के चल रहा है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम समझें, श्रद्धा से भी समझें, भाव से भी समझें। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं होता। तो हम इस भांति से चीज़ों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगा, फिर मैं कुछ आपको पदों को, श्लोकों को जोड़ूंगा और आपको उनके बीच की समानता और जो विरोध, तो विरोधाभास तो है नहीं कहीं, विरोधाभास हो सकता है, कोई लोग निकाल सकते हैं अर्थों को अपने राजनीतिक कारणों से, अपनी किसी प्रकार की कोई पॉलिसी को चलाने के लिए, कुछ और भेदभाव पैदा करने के लिए वो समाज में इस तरह की बातें कर सकते हैं। पर मैं एक साथ इन दोनों महापुरुषों पर, इन दोनों भगवत्ता को प्राप्त चेतनाओं को प्रणाम करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ को इनको सही भाव में लें और आप अपने कमेंट्स डालें, आप अपनी जो आपको लगता है सही कि मैंने जो कहा वो उसमें जो भी कुछ है, अगर आप उसको विरोध भी करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। लाइक करें, अगर अच्छा लगता तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा नहीं लगता तो बुराई लिखें और उससे भी मैं कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।